नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र में मिली नई जिम्मेदारी संभालने के बाद मंत्री गिरिराज सिंह पहली बार पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग काम करने वाली सरकार खोजते हैं और मैं यह कह सकता हूं कि केंद्र के साथ बिहार में भी काम करने वाली सरकार है। गिरिराज सिंह ने इन बातों में कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर बिहार में हो रही राजनीति को कम करने की कोशिश की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा, हाई कोर्ट के एक देश एक कानून लागू करने की बात पर कहा कि सरकार अपना काम करेगी। इस दौरान पटना हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों द्वारा केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात पर गिरिराज सिंह ने कहा कि कोई भी जिम्मेवारी बड़ा या छोटा नहीं होता। बिहार में आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे अपार समर्थन से खुश नजर आ रहे चिराग पासवान को हाईकोर्ट ने झटका दिया था। हाईकोर्ट ने पार्टी के सिंबल लेकर दर्ज की गई याचिका पर सुनवाई को लेकर यह कहा था कि इस पर फैसला हाईकोर्ट करेगा। अब हाईकोर्ट के फैसले को लेकर चिराग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिराग ने कहा कि वह कोर्ट के निर्देश का सम्मान करते हैं, लेकिन यहां मैं साफ करना चाहता हूं कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता। पूर्वी चंपारण और नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से जिले के कई भाग में बाढ़ का तांडव जारी है। वहीं जिला प्रशासन ने हवाई सर्वेक्षण के उपरांत कांग्रेस जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला ने जानकारी दी कि जिले में बाढ़ से प्रभावित कुल पंचायतों की संख्या 61 है, जिसमें 144 गांव सम्मिलित हैं। जैसा कि आपके माध्यम से हम लोग ज्ञात हुआ, ये नीतीश मुख्यमंत्री जी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का भी दौरा ही कर रहे हैं और जिला पदाधिकारी प्रशासन द्वारा दौरा ही करा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि अविलंब बाढ़ राहत कार्ड चलाई जाए और युद्ध स्तर पर चलाई जाए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। गया पुलिस ने हत्या मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को दुकानदार बंटू वर्णवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के विरोध में श्री भारत वर्षीय वर्णवाल वैश्य महासभा प्रदेश कमेटी की ओर से काला दिवस मनाया गया। लोगों ने हाथों में काली पट्टी और कैंडल लेकर काला दिवस मनाया। जो शराब के नशे में चूर थे, नाश्ते के टाइम में जबरदस्ती उसको दुकान पर जो बैठा हुआ था उसको उठने के लिए कहा, आओ दे आओ। वो आदमी नहीं उठा। इस पर नशे में चूर उस आदमी ने, वो अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। श्री भारत वर्षीय वर्णवाल वैश्य महासभा बिहार प्रदेश ने पूरे बिहार में काला दिवस मनाने का निर्णय लिया। घोसी विधानसभा के पूर्व विधायक राहुल शर्मा, अरवल जिले के शहीद बीएसएफ जवान आशुतोष शर्मा के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। शहीद जवान आशुतोष शर्मा के परिजनों को उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि आशुतोष शर्मा ने अरवल ही नहीं पूरे बिहार का नाम गर्व से ऊंचा करते हुए अपनी शहादत दी है। टीआरपी के लिए मीडिया वाले लोग कुछ बना दें, नाम चला दें और ये बस उतने तक का ही मामला है। पार्टी पूर्णतया शांत है और कहीं कोई परेशानी इसमें है ही नहीं। अभी जो विधानसभा, तो चिराग जी ने तो खुद कहा अपने आप अपने बयान में कि हम तो निकल के खुल के लोगों को हरवा रहे थे, इसमें हम क्या कहें। इसमें चिराग जी खुद बयान दे रहे हैं तो इसमें मैं कह क्या सकता हूँ। मसौढ़ी प्रखंड के निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार को विदाई दी गई। विदाई समारोह में मसौढ़ी एसटीएम अनिल कुमार सिन्हा के अलावा पंचायत के सभी प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके बाद जब मैं यहाँ पर आया उस समय कोरोना फेज वन में थे हम लोग और नहीं आए हैं, बाद में आएंगे। लेकिन जो हमारे जवरिया मुखिया जी सम्मान कर रहे हैं बिजो साहब को, आप लोग का जो है सभी का प्यार देख करके जो है लग रहा है कि वाकई जो है आप लोग जो है बिजो साहब का जो स्नेह दिया उसको देख करके जो है मन गर्वित हो गया है। कोई भी सरकारी कर्मी जो होता है उसका कार्यकाल जो है सीमित होता है, कोई स्थायी नहीं आता है, लेकिन जो अपने काम जो आप करते हैं वही एक अमिट छाप छोड़ जाता है और वही यादगार जो रह जाता है यहाँ के
स्थानीय लोगों के लिए। बेगूसराय में सिमरिया गंगा घाट पर मुंडन संस्कार कराने आ रही टेम्पो सिमरिया पुल के हाइट गेज से टकरा गई। इस घटना में एक यात्री की जहां मौत हो गई, वहीं 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दरअसल नवादा जिले के रेवार गांव से बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर मुंडन संस्कार के लिए टेम्पो से 2 दर्जन लोग सिमरिया आ रहे थे। इसी दौरान सिमरिया पुल के पास लगे हाइट गेज से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के बाद सभी घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। गांव से आ रहा था, मतलब करीब 30 बंदा आने के बाद वहां से सही सलामत सब लोग निकला। सही सलामत निकलने के बाद जो ब्रिज जो है पुल के जो केबरिल लगा हुआ है पास में, उसके पास गाड़ी आ रहा था। आने के बाद बोल रहा ड्राइवर कि मतलब हमको समझ में नहीं आया, और एकाएक आँखों मेरा बंद हो गया। बंद होने के बाद उसमें टक्कर लग गया। नवादा सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजेश नारायण सेवक पांडे तथा जिला पदाधिकारी यशपाल मीना द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण, विवाह, दीवानी मुकदमा आदि मामलों का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मचारीगण एवं व्यवहार न्यायालय नवादा के सभी कर्मचारी उपस्थित सज्जनों, नवादा को 100% वैक्सीन कराने को लेकर शॉप टू शॉप वैक्सीन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत सभी दुकानदारों को मोबाइल टीम के माध्यम से कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा, ताकि एक भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन से वंचित न रहे। सदर SDO उमेश कुमार भारती के नेतृत्व में शहर के मेन रोड में स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से दुकानदारों को वैक्सीन दी गई। नवादा का 100% वैक्सीनेशन कराना है, उसके तहत नगर परिषद नवादा के 3300 वार्ड में वैक्सीनेशन के लिए केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ इसी कड़ी में एक विशेष अभियान की आज शुरुआत की है, जिसके तहत जितने भी दुकानदार हैं, सभी दुकानदारों को मोबाइल टीम के द्वारा एक एक दुकानदार को वैक्सीनेशन कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।